सिनेमा स्टार अमिताभ बच्चन अपने शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 की शूटिंग शुरू कर चुके हैं, जहां एक तरफ रिया चक्रवर्ती को लेकर पूरे मीडिया और पूरे हिंदुस्तान भर में दो गुट में ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पब्लिक भी बढ़ चुकी है, तो वहीं दूसरी ही तरफ अमिताभ बच्चन अपने ही निजी काम में व्यस्त है, अपने ही प्रोफेशनल वर्क फ्रंट को लेकर व्यस्त है। उन्होंने कई पोस्ट शेयर किए हैं। एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया, आदर आदाब अभिनंदन आभार। जैसे ही रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए, सुशांत के परिवार वालों को तो खुशखबरी मिली, तो दूसरी ही तरफ अमिताभ बच्चन ने भी जश्न मनाया। अमिताभ बच्चन ने भी खुशी का जश्न मनाया। अमिताभ ने खुशी का जश्न मनाते हुए ये पोस्ट शेयर किया, ठीक उसी समय जब रिया गिरफ्तार होने के बाद एनसीबी के गिरफ्त में थी, हिरासत में उन्हें 22 सितंबर तक रखने का ऐलान हुआ था। बताते 78 वर्षीय अमिताभ बच्चन को फिर ट्रोल भी किया गया। जी हां, अमिताभ बच्चन पोस्ट शेयर करते नजर आए तो उसके बाद अमिताभ बच्चन को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया। अमिताभ बच्चन अपने पोस्ट को लेकर इसलिए भी ट्रॉल हुए क्योंकि अमिताभ बच्चन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी बात रखने से चुप्पी बना रहे हैं, और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट ऑल ओवर वर्ल्ड कई जगह पर कई समय का इवेंट में कर चुके हैं, उनका चुप रहना कहीं ना कहीं लोगों को गुस्सा दिला रहा है, और इसी कारण से लोगों ने ट्रोल करते हुए अमिताभ बच्चन को भी अपने निशाने पर ले लिया। तब से ही ये ट्वीट वायरल हुए, लेकिन अमिताभ बच्चन रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश अपने ही काम को लेकर नजर आए, और अमिताभ का ये बदलाव साफ देखने को मिला है। अमिताभ बच्चन के इस अंदाज़ को देखकर लगता है कि अमिताभ बच्चन को फ़िलहाल वाकई में बॉलीवुड में इस वक्त क्या हो रहा है इससे कोई भी कमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं। सोशल मीडिया पर पब्लिक डिस्कशन जरूर डाइनिंग टेबल पर वो किया करते हो, लेकिन उन्हें इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। अर्थात कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, पर उसे योग्य काम में जोड़ने वाले पुरुष ही दुर्लभ हैं। ये लिखकर उन्होंने कुछ बातें पुरुषों को लेकर शेयर भी की, लेकिन ये बात इस बात को जाहिर करती है कि अमिताभ कॉमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं रिया की गिरफ्तारी पर, सुशांत मामले में आई खबरों पर, यहां तक कि कंगना रनौत को लेकर भी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।